नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ पूजा। जुलाई है आपके लिए बॉलीवुड की कुछ खास गपशप। तो भाई, बात ये है कि राखी सावंत फिर सुर्खियों में है। दरअसल बिग बॉस 14 जब से शुरू हुआ था तो लोगों में से लेकर जबरदस्त बस था, लेकिन शो शुरू होने के बाद सीरियल में आशा के मुताबिक कंटेस्टेंट्स परफॉर्म करते नहीं दिखाई दिए और शो टीआरपी रेटिंग में टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पाया। शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेकर्स ने एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट को एंट्री दी, जिसके बाद शो अब लोगों को धीरे धीरे लुभाने लगा है। वहीं कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत एक बार फिर शो में सुर्खियां बटोरने में कामयाब रही और इसी के साथ राखी सावंत सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही है। तो देखिए राखी का बिग बॉस में अजब गजब अंदाज जो लोगों को काफी लुभा रहा है। बिग बॉस आप सभी घर वालों को कैप्टेंसी कार्य दे रहे हैं, जिसका नाम है बीबी डक पार्क। ये कार्य 3 बैचेस में होगा। बिग बॉस 14 में अब एक बार फिर पुरानी कंटेस्टेंट्स के आने से रोमांच लौटने लगा है। जिस सदस्य के पास सबसे ज्यादा खाना होगा वो उस बैच का विजेता बन जाएगा। इन दिनों राखी सावंत की मौजूदगी को काफी पसंद भी किया जा रहा है और शो में उनके आने से एक बार फिर से बिग बॉस की रौनक लौट आई है। राहुल, मैं तेरी दोस्त हूँ या नहीं हूँ क्या तू इस खजवी का है? बोल गद्दार बोल। ये शाना है ना, इसको मैं भी चाहिए, इसको वो भी चाहिए। तू भाड़ में जा, हट। हाल ही में एक एपिसोड में राखी सावंत ने बिग बॉस के घर के अंदर निक्की तंबोली के साथ एक ऐसी हरकत कर दी जो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है। अरे बहुत अजीब सा, कोई रेस्टोरेंट का मालिक था, उस रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, कुछ तो हुआ। राखी अपने अंदाज में सबको हंसाने में कामयाब रही और लगातार निक्की तंबोली को चिढ़ाती दिख रही है। राखी के शो में एंट्री के बाद से ही उनकी निक्की तंबोली के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही है। राखी के अनोखे वन लाइनर्स, सेस और हंसी के ठहाके से भरे ट्वीट और मीम्स शेयर किए जा रहे हैं। बता दें, बिग बॉस 14 को अभी तक दर्शकों द्वारा कुछ खास पसंद नहीं किया जा रहा था। कंटेस्टेंट्स का खेल इस कदर निराशाजनक हो गया है कि बिग बॉस को खुद कंटेस्टेंट्स को बोलना पड़ा कि उनके फैंस भी उनकी परफॉर्मेंस देखकर खुश नहीं हैं। लेकिन नए कंटेस्टेंट्स में राखी के आ जाने से और नए कंटेस्टेंट्स के आ जाने से भी खेल का रुख ही बदल दिया, जिसे उनके फैंस और टीवी सितारे भी खूब पसंद कर रहे हैं। गेम खेलनी आती नहीं है, प्रॉपर लानते लगानी आती है, ये स्ट्रेटजी। तो देखिए राखी का ये चुलबुला अंदाज। तो भाई, अब देखने वाली बात ये होगी कि बिग बॉस 14 में नए कंटेस्टेंट्स का आना कितना कारगर साबित होता है, क्या ये टीआरपी को बढ़ा पाएगा या नहीं, और साथ ही इसके साथ क्या बिग बॉस रेटिंग के मामले में टॉप 5 में अपनी जगह बना पाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही गपशप के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।